बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने किस तरह से अपने मॉडल को जो था वो पेश किया और प्लम पडिंग मॉडल को उसने रिजेक्ट कर दिया था। प्लम पडिंग मॉडल उसी के टीचर जे जे थॉम्सन का था जिसको रदरफोर्ड ने रिजेक्ट किया 1911 में। लेकिन उस अपने एक्सपेरिमेंट में वो तो बिल्कुल कामयाब रहा, लेकिन वो ये नहीं बता सका एटम स्टेबल किस तरह रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टीन्यूअसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस देन वो कॉन्टीन्यूअसली अपनी एनर्जी भी एमिट करेगा और अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा और इस तरह से जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो एटम्स की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स, वन इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स एंड द प्रीवियस फिजिक्स जो कि ओल्ड उसमें थी उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के बाद 1900 में एक नई जिद्दत आती है और 1900 में प्लैंक वॉज ए साइंटिस्ट, ही वॉज मैक्स प्लैंक, ठीक है। इसने क्वांटम थ्योरी जो थी वो प्रपोज की 1900 में, और इसकी जो थ्योरी है याद रहे ये लिमिटेड है और ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स पे तो ठीक अप्लाइड है, लेकिन ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंडुलम, कार, हम जैसे ऑब्जेक्ट्स पे ये बिल्कुल भी अप्लाइड नहीं है। तो इस तरह जो फिजिक्स थी उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है आफ्टर 1900। वन इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स जिसमें हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को आराम से स्टडी कर लेते हैं फिजिक्स की एप्लीकेशन से, और जो दूसरी टाइप की फिजिक्स है जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं वो है क्वांटम फिजिक्स, तो जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। तो आज हम इसी को शुरू करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड अगर इस थ्योरी को यूज करता ना तो मे बी वो अपने एटम के मॉडल को सही से एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन रदरफोर्ड की यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी थी कि उसने एटम के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो मैक्स प्लैंक के मुताबिक स्टूडेंट्स याद रखना, हमारे पास एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसको जाके न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो मैक्स प्लैंक ने इस चीज को खत्म किया कि जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं यानी जो इसके अहम निकात हैं इस थ्योरी के, उसमें पहला पॉस्टुलेट ये है एनर्जी नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब इन कॉन्टिन्यूस मैनर, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि उनमें होती है इन द फॉर्म ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस वेव, यानी डिसकॉन्टिन्यूस वेव से वेव की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो जो वेव्स होती हैं वो फिक्स्ड पैकेट्स होते हैं, दैट फिक्स्ड पैकेट विल बी सिंपली नोन एज क्वांटा, ओके। तो याद रखें, एक तो होता है कि एनर्जी मुसलसल खारिज हो रही, जैसे हम दौड़ते हैं भागते हैं तो हमारी एनर्जी में कॉन्टिन्यूसली जो है वो लॉस आता है और हम थक के रुक जाते हैं, लेकिन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन उनके लिए ये थ्योरी इस तरह से वैलिड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करते और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमें जैसे कलर नजर आते हैं तो कलर्स जो होते हैं वो भी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बल्कि वो भी फोटोन्स की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। तो बिल्कुल ये थ्योरी जो है वो वैलिड साबित हुई बाद में, और इसके बाद बोहर का जो मॉडल था वो इसी थ्योरी पे बेस्ड था। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस थ्योरी इन दिस चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा बोहर का मॉडल आना है एटम के बारे में वो इसी थ्योरी पे बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पहला पॉस्टुलेट समझ आ गया होगा, इस पॉस्टुलेट के मुताबिक एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस मैनर से एमिट या एब्जॉर्ब होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किस तरह से, देखें, अगर हमारे पास ई एनर्जी है और न्यू, इसको आपने न्यू पढ़ना है, दिस इज न्यू, मैं लिख भी देता हूं एन यू, तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये सेकेंड पॉस्टुलेट है। और अगर हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलें तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू, यहां पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट,
एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.632 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। ये हमारे पास एच की वैल्यू है, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो ये हमारे हो गए इस तरह से दो पोस्टलेट। पहले पोस्टलेट में हमने सीखा अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट और अब्सॉर्ब इन दिस कंटीन्यूअस मैनर, और दूसरे में हमने सीखा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के। एंड द थर्ड पोस्टलेट इज दैट अ बॉडी एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। मतलब कोई भी जो बॉडी है वो एनर्जी को एमिट करेगी यानी खारिज करेगी या अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन किस फॉर्म में? सिर्फ क्वांटा फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 10 किलो जूल्स पर मोल अपने एक ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए, तो वो 12 या 8 या 9 एनर्जी लेके जंप नहीं कर सकता अपने हायर ऑर्बिट में, चाहे वो एनर्जी ज्यादा है चाहे वो कम है। जब उसको एक ही वक्त में 10 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी मिलेगी तो वो अपने ऑर्बिट को नेक्स्ट ऑर्बिट में चेंज करेगा। ये नहीं करेगा कि पहली दफा एनर्जी आई 9 किलो जूल्स पर मोल, उसने वो एब्जॉर्ब कर ली, फिर 1 किलो जूल्स पर मोल उसने एब्जॉर्ब करके 10 करके वो जंप कर गया। ऐसा नहीं होता, वो एक ही वक्त में जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर वो उसको मिल जाती है तो ही वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, या कोई भी ऐसी चीज जब वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर से यानी क्वांटम मैनर से वो जो है वो एमिट और एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखो, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो। इस इक्वेशन में एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है, न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी। तो अगर प्लैंक्स की इस इक्वेशन को हम वेवलेंथ टर्म में लाना चाहते हैं, आई रिपीट, अगर हम इसको वेवलेंथ टर्म में लाना चाहते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका है। अब मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स है, अगर हम इसको क्वांटाइज फिजिक्स में देखें तो v को हम c से रिप्लेस कर देते हैं और f को हम न्यू से रिप्लेस कर देते हैं और लैम्डा लैम्डा ही होता है। तो हमारे पास c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा भी होता है। देखो इस इक्वेशन में न्यू आ रहा है ना, तो अगर यहां से हम न्यू की वैल्यू निकालें और निकालने के बाद यहां पुट कर दें तो हमारे पास वो वेवलेंथ टर्म में आ जाएगी। तो देखो यहां से न्यू की वैल्यू निकालो तो वो क्या आ जाएगी, c बाय लैम्डा। तो इसको आप यहां इस इक्वेशन में पुट कर दो तो e हमारे पास था h न्यू, तो न्यू की जगह मैं क्या पुट करूंगा, c बाय लैम्डा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, और लैम्डा आपको पता है क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ओके, अभी मैं आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेव नंबर के बारे में भी डिटेल में बताता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे आप ये सीख लो कि लैम्डा यहां पे वेवलेंथ है और न्यू जो यहां पे फ्रीक्वेंसी है। ये वाली जो प्लैंक्स इक्वेशन है ये इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है और ये वाली जो इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ यूज होती है। सपोज करो आपको किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है और एनर्जी पूछी जाती है, आप ये इक्वेशन यूज करोगे, और अगर आपको किसी रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन होती है और एनर्जी पूछी जाती है तो आप ये यूज करोगे। ओके, अब देखो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स, अगर नहीं पता तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें हमारे पास जो एक और टर्म होती है उसको हम वेव नंबर कहते हैं, वो न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू बार इज दी वेव नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अभी मैं इनको डिफाइन भी कर देता हूँ। तो वेव नंबर हमारे पास जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्ट होता है, उल्टा होता है किसका, वेव लेंथ का, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर वेव लेंथ। तो इस इक्वेशन में आप चेक करो, मैं इसको दोबारा से लिख सकता हूं यहां पे, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अच्छा, ये जो डिवाइड में लैम्डा है इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं इस इक्वेशन में, इंटू 1 ओवर लैम्डा, इस तरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये 1 ओवर लैम्डा सारा किसके बराबर है, न्यू बार के। तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ गया, एच सी न्यू बार। सो दिस इक्वेशन, दिस प्लैंक्स इक्वेशन यूज इन टर्म ऑफ वेव नंबर। तो जब हमें वेव नंबर गिवन हो और कहा जाए क्या निकालें, एनर्जी, तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ठीक है, और वेवलेंथ किसको कहते हैं, इनके यूनिट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, वेवलेंथ क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, और इसी तरह ये जो वेव नंबर मैंने टर्म यूज किए ये क्या चीज है यहां पे और इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसको अभी हम सीख लेते हैं। और साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये सी है ये क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको यही बता देता हूं, सी जो है ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, C इज दी स्पीड ऑफ लाइट, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को। पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ इन वन सेकेंड। सपोज करो हमारे पास कोई रूम है, उसकी इस तरफ भी वॉल है, इस तरफ भी वॉल है, तो उसके अंदर से जो एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं उस रूम के अंदर से, दैट विल बी कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देख लेते हैं इसको, यहां पे भी जस्टिफाई कर देता हूं। सपोज करो ये हमारे पास वो यूनिट लेंथ है, यहां से लेके यहां तक वो फासला, तो इसके अंदर से एक सेकंड में जितनी भी वेव्स, द टर्म इज वन सेकंड, एक सेकंड में इस यूनिट लेंथ में से जितनी भी वेव्स पास कर रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और इसके जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स हैं इसके, वो आपको पता है हर्ट्ज भी यूज करते हैं हम, और साइकिल पर सेकंड भी यूज होते हैं, साइकिल पर सेकंड, ओके। तो हर्ट्ज और साइकिल, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गई है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सपोज करो ये हमारे पास कोई वेव है, तो वेव्स के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं उनको स्टूडेंट्स हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाले हिस्से हैं पीक पॉइंट्स, ये ऊपर वाले पीक और ये नीचे वाले पीक पॉइंट्स, इनको हम क्रस्ट बोलते हैं ऊपर वाले हिस्सों को, और ये एक क्रस्ट है, इसी तरह ये अगली क्रस्ट है। तो या तो आप दो कंजक्टिव, दो साथ साथ वाली, देखो ये और ये कंजक्टिव क्रस्ट हैं, इनके दरमियान यहाँ पे जो फासला आ रहा है, ये वाला जो फासला है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। इसी तरह या आप क्रस्ट के दरमियान, दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान भी ये फासला देख सकते हो, ये दोनों इक्वल होते हैं, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान फासला जो होता है वो सेम होता है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। और चूंकि लेंथ है, इसके यूनिट भी हमारे पास मीटर हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह मिलीमीटर हो सकते हैं, सेंटीमीटर हो सकते हैं, नैनोमीटर हो सकते हैं, मतलब कोई भी जो हमारे पास लेंथ के यूनिट होते हैं वो इसके यूनिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वेव नंबर पे। तो वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखो जो वेव नंबर है ये फ्रीक्वेंसी के साथ काफी ज्यादा मैच करता है। देखो यहाँ पे भी हम यूनिट लेंथ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइम को एज्यूम नहीं करते, ओके। तो यहाँ पे टाइम नहीं लिया जाता, विदाउट टाइम लिमिट हम ये देखते हैं कि इस यूनिट लेंथ में से कितने वेव के नंबर पास कर रहे हैं, वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, विदाउट कंसीडरिंग टाइम, यूनिट लेंथ में गुजरने वाली नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, उसका वेव नंबर। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इन वेव नंबर वी आर ओनली कंसीडर द यूनिट लेंथ, एंड इफ यू टॉक अबाउट इट फ्रीक्वेंसी, सो वी विल टॉक अबाउट यूनिट लेंथ विद रिस्पेक्ट टू पर सेकेंड, यानी टाइम। तो यहां पर हम टाइम को एज्यूम नहीं करते। तो जो इसके यूनिट्स हैं, जो इसके यूनिट्स हैं, वो चूंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो जो वेवलेंथ के यूनिट हैं उसका रेसिप्रोकल करें, मीटर का रेसिप्रोकल लेंगे तो पर मीटर, सेंटीमीटर का पर सेंटीमीटर, नैनोमीटर का पर नैनोमीटर, तो इस तरह इसके जो यूनिट होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे वेवलेंथ के यूनिट, यानी मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या नैनोमीटर के, सारे वो रेसिप्रोकल मैंने लिख दिए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसी लेक्चर में अभी हम देखेंगे बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, जो इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस है। तो स्टूडेंट्स इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और ये जो मॉडल है ये 1913 में आया, और ये मॉडल सुपीरियर है ऑन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। द रीजन इज बिहाइंड बिकॉज दिस मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसमें हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे जो रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, चूंकि इसने सारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया, तो इसमें पहला जो पॉस्टुलेट है वो ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन देयर फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स असाइन टू देम अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे चल के आएगा चैप्टर के लास्ट पे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जिसकी बुनियाद पे इसने ये एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया वही, और यहाँ पे पहला ऑर्बिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब अपने ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये अपनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, क्लियर। और सपोज करो इससे नेक्स्ट अगर ऑर्बिट ये वाला है, इनको हम शेल्स कहते हैं, ये के शेल है, इसी तरह ये एल शेल, तो यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, अंटिल जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहता है वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इसका पहला पॉस्टुलेट है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, वही जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. एनर्जी ओनली एमिट और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्बिट. फॉर एग्जाम्पल, इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी आ जाती है और वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसको चाहिए, तो ये अपने ऑर्बिट को इस ऑर्बिट में ले जाएगा. मतलब ये अपने आप को यहां से के शेल से एल शेल में ले जाएगा. तो ये इसको कहते हैं जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्बिट. और ये भी जो जंप हुआ है ये डिसकॉन्टिन्यूस मैनर से है. ये कॉन्टिन्यूस यानी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेके नहीं हुआ, जितनी इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो लेके ये चला गया. तो सेकंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता. हाँ, अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है तब उसमें एनर्जी का चेंज आता है. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्बिट द एनर्जी चेंज इज गिवन अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स इक्वेशन. तो जो एनर्जी में चेंज आता है स्टूडेंट्स, डेल्टा ई वो होता है इक्वल ई टू माइनस ई वन के. मतलब सपोज करें यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है जिसको हम बोल रहे हैं ई वन, और यहां जाने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाती है ई टू. तो जो एनर्जी में चेंज आएगा डेल्टा ई, उसको हम काउंट कर सकते हैं ई टू माइनस ई वन वाले फार्मूले से. लेकिन ये आपने याद रखना है, ये वाली जो एनर्जी है, जो चेंज आया एनर्जी का, ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन. यानी जो चेंज इन एनर्जी है वो एस न्यू ही के बराबर है, क्योंकि ये हरी सारी जो ये जो मॉडल है बोहर का, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ही पे तो बेस्ड है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहां पे आपको ये तो पता चल गया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता. हाँ, जब वो अपने ऑर्बिट को चेंज करता है तो उसमें एनर्जी में चेंज आता है. अब ये एक बात और याद रखनी, अगर इलेक्ट्रॉन ने लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना है, मैं यहां पे इसको डिटेल में बता देता हूं, अगर इसने यहां से हायर ऑर्बिट में जंप करना है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए. ओके, और अगर ये पहले से ही हायर ऑर्बिट में मौजूद है और इसने लोअर में आना है, ग्राउंड स्टेट में आना है, देखो यहां से ऊपर जाने को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट और ऊपर से वापस नीचे आने को कहते हैं ग्राउंड स्टेट. तो अगर इलेक्ट्रॉन ने दोबारा जहां पे चला गया उससे वापस आना है तो तब वही एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करके गया था वही एनर्जी एमिट भी करेगा. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब तब करता है जब उस लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है, और एमिट तब करता है जब वो हायर से लोअर में वापस आता है. तो क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर के शेल विल बी लाई. देखो ना स्टूडेंट्स, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बोहर का मॉडल पढ़ रहे हैं, जब उसने ये अपने सारे पेपर पब्लिश किए थे अपने मॉडल ऑफ एटम के, तो जाहरी बात है ये तो क्वेश्चन बनता था ना कि ऑर्बिट कहाँ पे होगा, कि ये तो न्यूक्लियस है तो पहला ऑर्बिट कहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा. तो वो उसने अपने मॉडल में उसको पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसको हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर ये हमारा 6 है 7 में पढ़ेंगे भी. तो लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बोहर ने कैसे बताया. उसने कहा वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो होगा वो एन एच ओवर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. क्लियर, यानी हमारे पास वही ऑर्बिट यहां पे बन सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम एच ओवर 2 पाई का एन इंटीग्रल मल्टीपल हो. यानी मैं इसको समझा देता हूं, देखो एन यहां पे नॉन जीरो वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन. फ्रैक्शन में नहीं होगी, जीरो में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी. तो सपोज करो अगर हम के शेल की बात करते हैं, क्या भला के शेल, तो के शेल के लिए n की वैल्यू होगी 1, तो इस इक्वेशन में आप 1 पुट करोगे तो एम वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा एच ओवर 2 पाई. तो इसका मतलब जो के शेल है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारे पास एम वी आर वो बराबर होगा एच ओवर 2 पाई के. इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपने के बाद एल शेल के लिए निकालना होता, सपोज करें यहां पर मैं एल शेल की बात कर रहा हूं, तो एल शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहां n की जगह आप क्या पुट कर दोगे 2, तो एम वी आर हमारे पास आ जाएगा 2h ओवर 2 पाए. तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो h ओवर पाए आ जाएगा सिर्फ, और ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम. तो इसका मतलब जो l शेल है वो वहां बनेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h ओवर पाई के बराबर होगा. इसी तरह k बाद l, l के बाद m, m के बाद n एंड सो ऑन, और इसी तरह उनके जो एंगुलर मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने सीखा है कि किस तरह से जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए बोहर ने एक्सप्लेन किया. तो लेक्चर के शुरू में हमने सीखा था प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को, उसके पॉसिलेट्स को, फिर हमने उसमें वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी वगैरह के टर्म्स को सीखा, उनके फार्मूले देखे,
और लेक्चर के लास्ट में हमने बोहर के मॉडल के जो थे पॉस्टुलेट्स उनको सीखा, और इसमें जो लास्ट वाला पॉस्टुलेट है उसमें हमने ये बताया कि कहाँ कहाँ ऑर्बिट्स हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से आपने नोट कर लेना है, याद भी करना है, बुक से इसको ज़रूर रीड करना है। अल्लाह हाफिज़।